आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल इंजीनियर्स कोच में। आज का टॉपिक है व्हाट इज़ डेवलपमेंट लेंथ। ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो पहले साइट विज़िट करते हैं। तो अभी आप साइट पे हो, आप देख रहे हो यहाँ दो बीम को आपस में मिलाया गया है, ठीक है। और ये लेंथ जो है, ठीक है, एक्स्ट्रा बढ़ा के एल शेप में बनाई गई है। ये एल शेप बना दी गई है, ठीक। अब ये क्या होगा, इससे अच्छी बॉन्ड बन जाएगी। तो आपने देखा साइट पे कि दो बीम को ऐसे जोड़ा गया है, ठीक। दो, एक बीम ये थी, ठीक, और एक बीम ये। तो अब एक बीम को अगर आप साइड से देखो तो कैसा था, ये जो ऊपर वाली रेनफोर्समेंट थी, ठीक है, कंप्रेशन जोन की, वो ऐसे एल बेंड की गई थी, ठीक। और जो टेंशन जोन वाली थी उसे ऐसे एल शेप में बेंड कर दिए थे, ठीक है। तो ये जो एक्स्ट्रा लेंथ प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक, ये जो एक्स्ट्रा लेंथ है ये इतनी, ठीक है, ये यहाँ से लेके यहाँ, ठीक। एक टेंशन बार का एग्जांपल लो, ये टेंशन बार है, ठीक है, यहाँ से लेके जो यहाँ तक लेंथ है टेंशन बार की, ठीक। और कंप्रेशन में जो बार है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये है आपकी डेवलपमेंट लेंथ। इसे कहते हैं एल डी, डेवलपमेंट लेंथ। तो इससे क्या होता है कि ये दो मेंबर इससे आसानी से जुड़ जाते हैं। जैसे कि आप वीडियो में देख रहे थे कि दो बीम ऐसे जुड़ी हुई थी, ठीक है, तो जो दूसरी वाली बीम थी उसमें भी ऐसे प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। जो नीचे टेंशन वाली बार जाएगी वो ऐसे रहेगी। तो अब इससे क्या होगा कि यहाँ पे ये बॉन्ड बन जाएगी काफ़ी अच्छी, ठीक है, एक दूसरे के साथ अच्छे से जुड़ जाएंगे। शियर फोर्स यहाँ पे बहुत ही कम हो जाएगा और अच्छी ग्रिप बना लेगा, एक एक बीम दूसरे बीम के साथ अच्छी ग्रिप बना लेगा। तो इसीलिए प्रोवाइड करते हैं डेवलपमेंट लेंथ। तो ये लेक्चर पसंद आया तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके बताइए ये लेक्चर कैसा लगा। थैंक यू।